बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ आमले की मीठी चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इसके लिए फ़्रेश आमले लेने हैं और उनको उबाल लेना है आपने। ये देखें, अब ये बॉयल आमला है। इसके साथ बाकी इन्ग्रीडियंट भी देख लें। साबुत ज़ीरा है, सौंफ है, कलवंजी, हल्दी पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सफ़ेद नमक। आमलों की गुठलियाँ निकाल लेनी है। ये देखें, इसके बीज अलहदा कर लिए। अब इसके साथ जो गूदा ऊपर से उतारा है उसको अब हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा घी डालें और इसके अंदर जो भी आपको सौंफ, कलवंजी, साबुत ज़ीरा जो मसाले दिखाए थे वो इसमें डालेंगे। चैनल के ऊपर डिफरेंट चटनी की, जैम की रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं। प्ले लिस्ट के लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में शो हो रहे होंगे, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें, रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं। पहले इसमें ज़ीरा, सौंफ और कलवंजी डाली है। थोड़ा सा उसको भूनने के बाद उसमें बाकी मसाले डाल दिए। अब इसमें आमले डाल देंगे। 100 ग्राम आमले लिए थे हमने। इस तरीके से आप इसको इसके अंदर फ्राई करेंगे। अब जितने आमले होंगे उतनी इसके अंदर चीनी डाल देंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि चीनी जो मेल्ट हो जाए। सिंपल और मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर चीनी मिक्स हो गई है। अब इसको इसके अंदर पका लेना अच्छे से। आपने जो पानी इसमें डाला था वो पानी इसमें ख़त्म हो जाना चाहिए। ये देखें, पानी इसका खुश्क हो रहा है। कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लीजिएगा। ये देखें, इस तरीके से आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। तो ये आमले की मीठी चटनी रेडी हो चुकी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। बहुत मज़े की बनती है। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा। दुआ में याद रखना। जज़ाकअल्लाह।